स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था. सेंटेंस क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ा था. तो आज हम जो है वो उसके काइंड्स पढ़ेंगे. सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दो तरीके से हम सेंटेंसेस को के काइंड्स को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन चले तो. तो फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट होता है, और इसके अलावा इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, यानी कि ये चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन अगर जो हम देखते हैं तो. तो सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो दी सेंटेंसेज स्टेट फ्रॉम फैक्ट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेज. वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. तो ये जो होते हैं ये कुछ फैक्ट पे डिपेंड करते हैं, और इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेज भी कह सकते हैं. इनके लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ये ध्यान देने वाली बात होती है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज को भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे आई कैन प्ले द गिटार पॉजिटिव सेंटेंस है, और उसका नेगेटिव आई कांट प्ले द गिटार. तो जब नॉट आ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है. इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो दी सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें डब्ल्यू एच हो सकता है या फिर विदाउट डब्ल्यू एच यस नो क्वेश्चन भी होते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इनकी खासियत, इनकी पहचान ये होती है कि इसमें लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है. तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला यस नो क्वेश्चन, आर क्वेश्चंस दैट नीड आइदर अ यस और नो आंसर. यस नो क्वेश्चन वो होते हैं जिसका आंसर यस या नो में आता है, जैसे आर यू अमेरिकन, तो यहाँ पे आप यस बोलेंगे या नो बोलेंगे. डू यू नो फ्रेंच, तो इसमें आप यस बोलेंगे या नो बोलेंगे. अगर आप फ्रेंच जानते होंगे तो यस बोलेंगे, नहीं जानते होंगे तो नो बोलेंगे. इसके अलावा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं. ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दैट आस्क यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स सच एज Who, whom, what, when, where, why, how, which, whose. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें कि ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, who, whom, what, when, where, why, how, which, whose. तो उसे हम जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस बोलते हैं. ये इन्हीं वर्ड्स से स्टार्ट ही होते हैं ये क्वेश्चंस, और लास्ट में एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क होता है. इसके अलावा टैग क्वेश्चंस होते हैं. टैग क्वेश्चंस आर इंट्रोगेटिव फ्रेगमेंट that are added at the end of a declarative or an imperative sentences to form questions. इसमें जो है वो हम सारी बात कहने के बाद, कि मतलब इन ये इंट्रोगेटिव या imperative sentences बोलने के बाद से जो है declarative या imperative sentences बोलने के बाद last में हम interrogative fragment लगा देते हैं. जैसे your pet loves you, doesn't it? यहाँ पे जो doesn't it है ये tag question. इसके अलावा चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं. ये चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो चॉइस क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट प्रोवाइड अ चॉइस, जहाँ पे आपको चॉइस मिलती है. द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. और इसमें जो है जो आपको चॉइस होती है वो उस क्वेश्चन में ही होती है. वुड यू लाइक टू गो टू सिंगापुर और बाली, कि आप सिंगापुर जाना चाहेंगे या बाली जाना चाहेंगे. आप देखिए दोनों जो है वो क्वेश्चन, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इसमें से जो भी चाहें वो चूज़ कर सकते हैं. तो ये चॉइस क्वेश्चंस हैं. थर्ड जो टाइप है हमारे काइंड्स ऑफ क्वेश्चन का, वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जिसमें कि सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जो कि रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस को प्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ओके, तो जैसे कि ओबी योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, या यू मे टेक द मेट्रो अप टू राजीव चौक. यहाँ पे ये जो है ये एडवाइज़ है, सजेशन है हो गया, कमांड हो गया, या रिक्वेस्ट हो गई. तो ये सारे के सारे जो है वो इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं लास्ट में. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सडन इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे व्हाट अ लवली आइडिया इट इज़,
या फिर हाउ ब्यूटीफुल द पैरट इज़, या हुरे वी वोन द मैच, यहाँ पे जो है एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है लास्ट में, या फिर जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं उनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके उसे कंप्लीट करते हैं। ये सारे अकॉर्डिंग टू फंक्शंस के टाइप हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी हम जो है सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो अ सिंपल सेंटेंस ओनली हैज़ वन क्लॉज, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कन्वेज कम्प्लीट सेंस, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ये कम्प्लीट सेंस कन्वे करता है। जैसे आई एम हैप्पी, शी इज़ लर्निंग टू स्विम, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंसेस होता है, तो कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर के बनता है, और ये दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि फॉर एंड नॉर बट नॉर येट सो, तो इनसे जब मिलकर के बनता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफ़ी, शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट ऑफ टू स्लीप। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए, एक में बट और एक में सो लगा करके ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा गया है। जैसे आई लाइक टी, शी लाइक्स कॉफ़ी, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं कि मुझे चाय पसंद है, उसको कॉफ़ी पसंद है, लेकिन यहाँ पे हमने बट लगा करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये दोनों क्लॉजेज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा करके जोड़े जाते हैं, जैसे बिकॉज, दैट, व्हेन, अनटिल, दो, ऑल्दो और व्हाइल। जैसे शी वेंट आउट फॉर अ वॉक ऑल्दो शी वॉज सॉरी ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, शी वेंट आउट फॉर अ वॉक ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, वो बाहर टहलने के लिए निकल गई हालांकि बारिश हो रही थी। अब बारिश होने के बावजूद कौन निकलता है? तो बावजूद इसके कि बारिश हो रही थी वो घूमने निकल गई। तो यहाँ पे जो है ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ये जो है वो क्या है? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? शी वेंट आउट फॉर अ वॉक, वो घूमने निकल गई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। एक्सरसाइजेस करके उसे मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।